दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नारियल के कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिसे अपनाकर आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं एवं रुके हुए कार्यों को चालू कर सकते हैं। साथ ही कई प्रकार की समस्याएं जो कि आपके जीवन के बेड़ा गर्क किए हुए है, उससे बच सकते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और जानिए कि नारियल के प्रयोग करके आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में पूजा की सामग्री में नारियल का विशेष महत्व होता है। नारियल के बिना पूजा अधूरा माना जाता है। मंदिरों में नारियल फोड़ने की संस्कृति बहुत ही पुरानी है, जो आज के समय तक चलती आ रही है। इसके अलावा नारियल ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना जाता है। साइंटिफिक मान्यता के अनुसार नारियल में विटामिन, पोटेशियम, फाइबर आदि कई सारी चीजें पाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक मान्यता के अनुसार नारियल से जुड़े कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिसे करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आइए हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे नारियल से जुड़े कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर घर में किसी को बुरी नजर लगी है तो मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल को लपेट कर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाएं। तत्पश्चात उस नारियल को किसी हनुमान मंदिर में अर्पित कर दें। इससे उस व्यक्ति पर लगे हुए बुरी नजर उतर जाएगी और आपके बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन लाल कपड़ा पहने माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। साथ में देवी लक्ष्मी के चरणों में नारियल अर्पित अवश्य करें। अगर आप धन बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपको लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर घर के किसी जगह पर रख देना चाहिए। ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां किसी की भी नजर ना पड़े। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा और धन की वृद्धि भी होगी। अगर आपको व्यापार में मेहनत करने के बाद भी घाटा हो रहा है तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद नारियल और जनेऊ तथा एक सफेद मिठाई लेकर उसे पीले कपड़े में लपेट कर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना चाहिए। इस क्रिया से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर आप पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं तथा आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन पानी वाला 7 नारियल लेकर शनि देव को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उन 7 नारियल को नदी में बहा देना चाहिए। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तथा शनि दोष भी दूर हो जाएगा। आपकी कुंडली में यदि किसी प्रकार का ग्रह दोष है जो शनि से संबंधित हो, वह भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।